जय हिंद जय भारत। आज के सभी हमारे विशेष शिक्षकों, अध्ययनरत विशेष शिक्षकों, शिक्षकों, विद्वान जन, अभिभावकों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है विद्वान जनों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जो शिक्षा प्रेमियों के, वह क्या है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मनोवैज्ञानिक आकलन। इसे आप इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, बुद्धि लब्धि जांच, बुद्धि लब्धि परीक्षण, या फिर इसे आप इंटेलिजेंस कोसा बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। आप सुने, इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सबसे पहले असेसमेंट को समझना हो, व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट सूचना एकत्र करने का एक प्रक्रिया, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना एकत्र करने का एक प्रक्रिया है असेसमेंट। इसका प्रारंभ फ्रेडरिक मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बिने ने 1905 में किया था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का अपने पालन 1905 में अल्बर्ट बिने। एंड व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड, यही मन का विज्ञान। मस्तिष्क परीक्षण, जैसे बच्चे या व्यक्ति का बुद्धि लब्धि जांच करना हो, सूझबूझ का जांच करना हो, कार्यात्मक क्षमता का बात करना हो, अधिगम क्षमता का जांच करना हो, या अन्य क्षमताओं या अक्षमताओं की जांच करना हो, तो इसकी हमको साइकोलॉजिकल असेसमेंट से अवगत होना पड़ता है, इसे हमको रूप होना। मैंने बता दिया है असेसमेंट एंड साइकोलॉजी। नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? यह एक अमूर्त चिंतन है। ये क्या है? अमूर्त चिंतन। जीवन की समस्याओं व अन्य परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की समायोजन का क्षमता है। आने व्यक्ति अपने जीवन में नई नई रोज की परेशानियों, नई नई रोज की व्यवधानों से वह कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, यही हमारा आईक्यू बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। तो मैंने आपको अभी तीन चीज बताया, असेसमेंट, साइकोलॉजी एंड इंटेलिजेंस, एंड हाउ टेस्ट आईक्यू, हम कैसे अपनी बुद्धि गति की टेस्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज आईक्यू, क्या है, मैंने बता दिया। अब टेस्ट कैसे करते हैं? इसकी एक सूत्र है, फार्मूला ऑफ आईक्यू टेस्टिंग, जिसे आईक्यू बराबर एमए बटा सीए। एमए बटा सीए का मतलब होता है मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, यानी किसी व्यक्ति का मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या है। तो मानसिक आयु निकालने के लिए हमारे बहुत सारे फार्मूले हैं, स्क्रीन टेस्ट है, या फिर उसमें हम लोग इमोशनल टेस्ट करते हैं, मोटर टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, कॉग्निटिव टेस्ट करते हैं, उसके अनुकूल एमडीपीएस स्केल का टेस्ट करते हैं, डीएसटी करते हैं, वीएसएस करते हैं, उसके अनुकूल हमारा ये मेंटल एज आ जाता है। मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, माने मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, जो आएगा इसमें गुणा भाग करके, जोड़ घटाव करके, यह हम व्यक्ति का आईक्यू होता है। इसके लिए मैं आज थ्योरी में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके संपर्क करना अति आवश्यक है, बिना प्रैक्टिकल किए ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा, ये मेन विषय प्रैक्टिकल है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस सूत्र का किसने प्रतिपादन किया, कि इस सूत्र का ही आईक्यू टेस्टिंग का जो सूत्र है उसका भी प्रतिपादन हमारे अल्बर्ट बिने महान वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया गया था। लेवल ऑफ आईक्यू, बुद्धि आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट यानी बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का स्तर क्या है, तो मैं बता दूं, एवर 140 जिनका आईक्यू होता है वो जीनियस कहलाते हैं, सुपर जीनियस। एंड 122 139 जिनकी आईक्यू होती है, जो आईक्यू टेस्ट करने में तरीका बताया,
सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है, 110 टू 190 दिन की होता है, एवाब एवरेज एक एवरेज माना जाता है, एंड 92 109 दिन का होता है, उनको एवरेज करते हैं। अब हमारा आ रहा है कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 71 टू 89 जो होता है उसको हम लोग बॉर्डर लाइन करते हैं BA, जिसे बेंच मार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है, और 50 to 70 जो होते हैं माइल्ड होते हैं, 35 to 49 मॉडरेट, एंड 20 to 34 जो होते हैं सीवियर, एंड बिलो 20 प्रोफाउंड। तो जो मैंने यह आपको चार कैटेगरी बताया, माइल्ड मॉडरेट सीवियर एंड प्रोफाउंड, ऑल फोर साज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सभी बौद्धिक दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, और जिनकी आईक्यू 71 से ऊपर है उन्हें बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है, बॉर्डर लाइन। बाकी जो ऊपर के बताया मैंने वो सभी हाई रिटेल में होते हैं। हम आमजन की आईक्यू 90 से 109 होती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत बड़े कलाकार हैं या बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनकी आईक्यू निश्चित रूप से 120 to 139 होगी, इसमें कहीं कोई सब की बात नहीं है। बट वन थिंग आई टेल अबाउट दैट, एट द AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल ट्रेडिशन नाउ ए डेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के द्वारा कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बॉर्डरलैंड इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल, बट नाउ ए डेज बॉर्डरलैंड नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल। अब यहाँ उठता है कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि का स्वरूप क्या है तो आप जान लें। अवस्ट्रेक इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं अमूर्त बुद्धि, अभी मैंने बताया था एक अमूर्त चिंतन है, तो अवस्ट्रेक इंटेलिजेंट अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि जो दिखने में नजर नहीं आता है, हमारे पास आपका स्कैब होती है, आप देखते हैं नहीं, जब हमारी बात हमारी कामों से हमारी ज्ञान से पता चलता है कि हमने क्या बुद्धि है। कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस पहला हो गया अवस्टेक इंटेलिजेंस अमूर्त बुद्धि, दूसरा हो गया कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस यानी मूर्त बुद्धि, और सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि। आप समाज में देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सोशल ज्ञान नहीं होने के कारण वो समाज में शिक्षा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी सोशल ज्ञान होने के कारण वो समाज में अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। फ्लुएंट इंटेलिजेंस जिसको सरल बुद्धि कहते हैं, सामान्य बुद्धि, सरल बुद्धि जो ठीक है जिंदगी जीवन जान लैक अपने जीवन यापन करने के योग्य है। एंड कस्टराइज्ड इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं पारदर्शी बुद्धि या ठोस बुद्धि, और इनके पास जो बुद्धि और ठोस ठेटा करके है और माने पारदर्शक है, इनकी कुछ छिपा छिपाया नहीं है। तो आज का विषय में हमारा जो रहा साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, मैंने बताया असेसमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू टेस्टिंग का फार्मूला क्या है, आईक्यू का स्तर क्या है, और मैंने यही बताया कि बुद्धि का स्वरूप क्या है। जय हिंद, जय भारत।